सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। खेतों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने व सड़कों पर लोगों को परेशान करने वाले आवारा गौवंशों से कन्नौज जिले के लोगों को अब जल्द राहत मिलने वाली है। अन्ना जानवरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने कन्नौज जिले में दूसरी अस्थाई गौशाला बनाने के लिए 1,20,00,000 रुपये आवंटित कर दिए हैं, जिसके बाद जिले में दो बड़ी बड़ी अस्थाई गौशाला होने से आवारा गौवंशों की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जी हां, डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि अभियान की शुरुआत में आवारा गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार ने एक बड़ी अस्थाई गौशाला निर्माण के लिए बजट दिया था। वह अस्थाई गौशाला बनकर तैयार हो गई है। अब सरकार ने दूसरी बड़ी अस्थाई गौशाला के लिए बजट दे दिया है, जिसका भूमि पूजन छिबरामऊ में किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरी अस्थाई गौशाला बन जाने से अन्ना जानवरों की समस्या से अब लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कन्नौज जिले भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि अन्ना जानवरों से किसानों को होने वाली समस्या का जल्द समाधान प्रदेश की सरकार करने में जुटी है। यह नई अस्थाई गौशाला बन जाने से किसानों को तो बड़ी राहत मिलेगी, वहीं किसानों ने भी बताया कि आवारा गौवंशों से किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हो रहा था, अब अस्थाई गौशाला बन जाने से उनको भी राहत मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है।